हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 11.4 स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, आंसर द फॉलोइंग। हमें जो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं इनके आंसर्स लिखने हैं, ये स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है। तो हमें इनकी एल्जेब्रिक फॉर्म लिखनी है, ठीक है। तो देखो, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट में बता रखा है, टेक सरिताज प्रेजेंट एज टू बी वाई ईयर्स। जो सरिता की प्रेजेंट एज है, मतलब जो उसकी अब एज है, वो कितनी है, वाई ईयर्स है। हमें उसकी प्रेजेंट एज कितनी लेनी है, वाई ईयर्स। उसके बाद नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी हर एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब कह रहा है कि अगर उसकी एज अब वाई ईयर्स है, तो 5 साल के बाद उसकी एज कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी हमारी एज 10 ईयर्स है, तो 5 ईयर्स के बाद हमारी एज कितनी हो जाएगी, 15। हमने क्या किया, 5 को उसमें ऐड कर दिया। तो इसकी एल्जेब्रिक फॉर्म क्या होगी, वाई उसकी प्रेजेंट एज है, हम कितने साल आगे बढ़ा रहे हैं, 5 ईयर्स, तो वाई प्लस 5, ये इसकी एल्जेब्रिक फॉर्म, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट, व्हाट वाज हर एज 3 ईयर्स बैक। अगर उसकी अब एज वाई है, तो 3 साल पहले उसकी क्या एज होगी, ठीक है। तो अब देखो, अगर हमारी एज अब 10 ईयर्स है, तो 3 साल पहले हमारी एज कितनी हो जाएगी, हम माइनस कर देंगे ना 3, तो क्या आ जाएगा, 7। मतलब हम 3 साल पहले हमारी कितनी एज थी, 7। तो इसी तरह से हम इसको यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई तो उसकी अभी एज है, और 3 टाइम्स बैक, मतलब वो 3 ईयर्स बैक, यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 3, ठीक है। इस तरह से करने हैं आपको एल्जेब्रिक फॉर्म। नेक्स्ट देखो, सरिताज ग्रैंडफादर इज 6 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। हर एज, व्हाट इज द एज ऑफ हर ग्रैंडफादर। वो कह रहे हैं कि सरिता के जो ग्रैंडफादर है, वो उसकी एज के 6 टाइम्स है, मतलब 6 गुना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, कि इसकी एज कितनी है, सरिता की एज कितनी है, वाई ईयर्स, और वो इसके क्या है, 6 टाइम्स है, तो मल्टीप्लाई 6, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 6y, ये इसकी एल्जेब्रिक फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखो, ग्रैंडमदर इज 2 ईयर्स यंगर। यंगर मतलब उनसे 2 साल छोटी है, ठीक है। तो उनकी जो एज है, जो ग्रैंडफादर है, उनकी एज से 2 साल छोटी एज किसकी है, ग्रैंडमदर की है, ठीक है। तो देखो, ग्रैंडमदर इज 2 ईयर्स यंगर देन ग्रैंडफादर। व्हाट इज ग्रैंडमदर एज, तो ग्रैंडमदर की क्या एज होगी। तो सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि ग्रैंडफादर की एज क्या है, ग्रैंडफादर की एज क्या है, 6y, ठीक है। अब जो ग्रैंडफादर की एज है, उससे 2 ईयर्स यंगर है ग्रैंडमदर, तो यंगर है तो मतलब छोटी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। एल्डर होता तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, सरिताज फादर्स एज इज 5 ईयर मोर देन। जो सरिता के फादर की एज है, वो क्या है, 5 ईयर मोर देन है, 5 साल ज्यादा है, किससे, 3 टाइम्स सरिताज एज, सरिता की एज के 3 टाइम्स से 5 ईयर्स मोर, ठीक है। 5 साल ज्यादा है किससे, सरिता के 3 टाइम्स एज से, ठीक है। तो सबसे पहले हम सरिता की एज को 3 टाइम्स करते हैं, तो सरिता की एज 3 टाइम्स हो गई, 3y, है ना, 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अब कह रहे हैं उससे भी 5 ज्यादा है, ठीक है। तो 5 ईयर्स क्या है, ज्यादा है, तो 5 ईयर्स इसमें प्लस हो जाएंगे। इस तरह से हमें इसको क्वेश्चन को करना है कि एल्जेब्रिक फॉर्म लिखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है बी पार्ट, इसका बी पार्ट के अंदर देखो क्या है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल हॉल है, उसमें लेंथ दी हुई है 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ ऑफ द होल। जो लेंथ है वो क्या है, 4 मीटर लेस है। जो हमारी लेंथ है वो क्या है, 4 मीटर लेस है, किस से लेस है, 3 टाइम्स द ब्रेथ ऑफ द होल। जो ब्रेथ है होल की, उसकी 3 टाइम्स, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, और हमें ब्रेथ क्या लिखेंगे,